गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ज्यादातर क्या है, अक्सर आप देखेंगे तो बहुत से दुकानों में भी मिलता है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अपना नाइजीरिया में समाना शुगर प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये लगाया गया है। अभी हम लोगों ने इसका इरेक्शन किया है, अलाइनमेंट किया है, इसको फिक्स किया है। अब ये अपना मोटर है इसका, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये 1 किलोवाट का मोटर है। और उसके बाद में ये अपना हेड है इसका, ये इसका टंकी है, सेपरेटर टैंक जिसको बोला जाता है, ये इसका टैंक है। स्टार्टर इसका ये है, आप लोग जो देख रहे हैं स्टार्टर है, ये इसका बेल्ट होता है, ये बेल्ट इसका जो फैन है, ये बेल्ट बेल्ट के माध्यम से जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये बेल्ट द्वारा जो है मोटर द्वारा जब हम लोग पावर दिया जाता है तो ये स्टार्ट हो जाता है। और ये अपना रनिंग करने के बाद में ये जब एयर टैंक, ये इसका लेवल गेज, ये इसका पिस्टन है, इसके अंदर में पिस्टन होता है, लानर होता है, रिंग होता है, क्रैंक होता है, जैसे सेम सेम इंजन होता है, इंजन का ही है। इधर से एयर लेगा, इधर से एयर लेगा, अंदर खींचेगा, एयर लेकर के कंप्रेस करके इसके अंदर टैंक में डाल देगा, फिर उसके बाद एयर को आप जहाँ यूज करना है आप यूज कर सकते। यहाँ से जब हमारा एयर रिलीज होता है तो बहुत से क्या है, हर लाइन में क्या है, हमको प्रेशर की जरूरत पड़ती है। हम लोग हर जो है वाटर लाइन्स में अपना एयर लाइन्स में जोड़ देते हैं, बहुत से क्या कंट्रोल वाल्व के लिए, कंट्रोल वाल्व के लिए, कंट्रोल वाल्व क्या है, इसी से ओपन होता है या क्लोज होता है, आपको मालूम भी है गाइस। और उसके बाद तो आप लोग देख ही रहे हैं पूरा प्लांट जो हम लोग रेडी कर दिया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये इसमें क्या है, इसको समय समय पे इसमें आयल डालना होता है, और इसमें आयल डालने के बाद इसका लेवल देखना होता है। लेवल देखने के लिए यहाँ से देखिए दो होल बना है, यहाँ से एयर ले लेगा, इसके अंदर एयर फिल्टर भी है और इसके अंदर पिस्टन भी है। और इसमें कभी कभी ज्यादा दिन तक आप एयर यूज करते रहेंगे, इसके अंदर पानी भर जाता है, कभी ठंडी की वजह से जब वह ऑक्सीजन लेता है तो पानी भर जाता है। पानी ड्रेन करने के लिए इसके नीचे ड्रेन लाइन दिया हुआ है, ये देखिए ड्रेन लाइन है, ड्रेन पॉइंट। अगर ये ड्रेन पॉइंट समय समय से इसको निकालेंगे नहीं पानी, तो इसके साथ में पानी भी जाने लगेगा और एयर जो है एयर में पानी मिक्स करके जाने लगेगा, तो वाल में दिक्कत आने लगेगी। इसके लिए कभी भी आप लोग एयर कंप्रेसर यूज करिए तो देख करके यूज करिए, चालू करने से पहले मेंटेनेंस टाइम पे बराबर मेंटेनेंस का ध्यान दीजिए बराबर, और मोटर को भी देखते रहिए। ये ऑटोमेटिक मोटर है, ज्यादा हीट होगा तो बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये पैनल जो स्विच है, इसका पैनल है, ये देखिए ये लॉक हो जाएगा और ये बंद हमेशा, इसको जो है इसको लॉक करके रखिए ताकि कोई चालू ना करे। ये लॉक सिस्टम है, ये हमेशा बंद रहेगा, ये बंद कंडीशन में, इसको जब हटा देंगे तो आप चालू कर सकते हैं। अगर इसको इस तरह अगर दबा देंगे तो इसको कितना भी चालू करेंगे ये चालू नहीं होगा। तो आप लोगों के सेफ्टी के लिए ये सब चीज लगाया गया है, ठीक है, धन्यवाद। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग ओके, अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।